लाइफ में हर एक चीज़ सही नहीं होती और ना ही कभी होगी, क्योंकि हम सब, मतलब ये पूरा यूनिवर्स, एक टर्म को फॉलो करता है, इक्वेलेंसी, इक्वेलेंस एक्सचेंज और बैलेंसिंग। हमारा भविष्य है, हमारा कर्म तय करता है। कर्म एक अनूठी गुत्थी है जिसको हमने लगभग सुलझा ही लिया है, मतलब कि हम कर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और इतना कुछ जानने के बावजूद भी हम हर बार इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जब तक ये चक्रव्यूह ख़त्म होता है, उससे पहले ही इसके दोबारा शुरू होने का आघात हो जाता है। कर्म हमेशा निष्पक्ष रहा है। अगर तुम कर्म की सीमाएं लांघते हो तो कर्म तुम्हें दंड जरूर देगा। कर्म क्या है? हम जो करते हैं हमारे भविष्य के लिए या अपने वर्तमान के लिए, वो कर्म है। हमारी भावनाएं हमारे कर्म के साथ जुड़ी हैं। हम कोई कदम सोच के उठाएं या बिना सोचे उठाएं, हमारी भावनाओं के इंट्रैक्शन कर्म के साथ जरूर होते हैं। हमारा कर्म पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा है। हम जो करते हैं उसका कोई अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। कर्म निश्चय ही आपके लिए वर्ड्स हैं, पर कर्म एक्चुअल में पूरी थ्योरी है। कर्म को एक्सप्लेन करने में हजारों साल लगे हैं। गीता में कर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कर्म दो प्रकार का होता है। अगर कोई योगी कई सालों तक मेडिटेट करता है तो वो भी कर्म कर रहा है, और अब अगर कोई मजदूर मेहनत करके, मजदूरी करके पैसे कमा के ला रहा है तो वो भी कर्म है। इनमें फ़र्क बस इतना है कि योगी पूरे दुनिया से अलग होकर मेडिटेट कर रहा है, वो अपना अलग कर्म कर रहा है, वो किसी मोह माया से दूर है, वो हर एक मोह माया से दूर है। और वहाँ दूसरी तरफ मजदूर वो कर्म इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना पेट भर सके। वो मोह माया के चाल में फंस चुका है, जैसे कि हम फंस चुके हैं, हम सब फंस चुके हैं। हमारा खुद का कर्म हमारे साथ खेल खेलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैंने ये किया तो उसको फ़र्क पड़ेगा, या उसने वो किया तो उसको फ़र्क पड़ेगा, अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो किसको फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप इंडिविजुअल्स को फ़र्क ना पड़े, पर आपके हर एक मूवमेंट से, हर एक कर्म से पूरे यूनिवर्स को फ़र्क पड़ता है। पूरा यूनिवर्स आपके कुछ मूवमेंट्स के इम्पेक्ट की वजह से अपोजिट रिएक्शन करता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे और कर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।